Hello everyone, welcome back to my channel The Dreamy Palette. This is Agni. How are you? Hope you all are doing good. तो चलिए आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ह्यूमन फेस के प्रोपोर्शंस के बारे में. बहुत ही ईजी वे में मैं आपको एक मेथड बताने वाली हूँ जिसे हम लोमिस मेथड भी कहते हैं. उससे आप बहुत ही ईजी वे में जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है लोमिस मेथड में अपने फेस के प्रोपोर्शंस को देखना कि हम कैसे किस पार्ट में आईज, किस में नोज, किस में ईयर्स जाएंगे. बहुत ही इजी टेक्निक है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड प्लीज शेयर इफ यू लाइक इट. थैंक यू. चलिए शुरू करते हैं. आज का ये ट्यूटोरियल बिगिनर आर्टिस्ट के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के लिए सबसे चैलेंजिंग होता है फेस के प्रोपोर्शन को एक्यूरेटली डिवाइड करना. आज जो मेथड मैं बताऊंगी वो बहुत ही इजी है एंड आई एम श्योर ये आपके बहुत काम आएगा. तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सिमिलर साइज के स्क्वेयर्स ड्रॉ करने हैं, वर्टिकली 10 एंड हॉरिजॉन्टली 6. और इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बस स्क्वेयर सिमिलर साइज के होने चाहिए. तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ करेंगे. उसके बाद इनकी जो है वो नंबरिंग भी कर देंगे. नंबरिंग से हमें ये पता रहेगा कि हमने कहाँ पर क्या ड्रॉ करना है. मैं आपको इजीली बता पाऊँगी. तो नंबरिंग के बाद आपने सबसे पहले एक हेयर लाइन ड्रॉ करनी है. तो उसको मार्क करेंगे. उसके 3 स्क्वायर्स नीचे हम आईब्रो लाइन बनाएंगे. आईब्रो लाइन के बाद हम 3 स्क्वायर्स नीचे नोज लाइन बनाएंगे और जो लास्ट वाली लाइन होगी वो चिन लाइन होगी. और उसके ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो चिन का अपर साइड होगा. और इस लाइन के ऊपर हमारा जो है वो माउथ आएगा. और आईब्रोज के नीचे वाली जो लाइन होगी वो हमारी आई लाइन होगी. इस पर हमारी आईज बनेंगी. अब आईब्रोज के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ और वहाँ से हम एक सर्कल बनाएंगे जो हेड का ऊपर का हिस्सा होगा. इसको हम बहुत ध्यान से जैसे हम हेड बनाते हैं बस आप राउंड में ले जाएंगे उसकी शेप को ध्यान में रखते हुए. अरे हमारा हेड का शेप जो है वो आ गया है. अब हमें 5 to 7 तक जो है वो एक सीधी लाइन ही ड्रॉ करनी है जो हमारी जॉ लाइन होगी. अब चिन से थोड़ा सा कर्व लेते हुए हम ऊपर को जॉइंट कर देंगे. ये जॉ लाइन बन जाएगी. अब हमने थोड़ी सी चिन की शेप देनी है और नोज का जो है थोड़ा सा फिगर आउट कर देना कि यहाँ पे हमने नोज बनाना है. अब हम आईब्रो लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. अब आईज के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे. जो बीच वाले सेकंड जैसे हमने जो डिवाइड किया उसके नीचे एक सर्कल आएगा. और उधर से भी सेकंड वाले में आएगा. सेंटर वाला जो हमने डिवाइड किया है पार्ट उसको छोड़ देंगे, वो नोज के लिए होगा. अब हमने सेंटर वाला जो पार्ट किया था वहाँ से नोज की शेप थोड़ी थोड़ी देते हुए नीचे आना. ये हमारी नोज की विड्थ आ गई. आईज के जो पीपल्स होते हैं उनकी विड्थ के अकॉर्डिंग ही माउथ का भी विड्थ होता है. माउथ भी उतना ही चौड़ा होता है जितने हमारे आईज के पीपल्स जहाँ पर हमारे प्लेस होते हैं वहाँ से हम एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि हमारे लिप्स कहाँ तक आएंगे. ये हमारी लिप्स की विड्थ हमें पता चल गई.
इतने चौड़े हैं मेरे लिप्स। अब हम आईब्रो प्लेस करेंगे। अब यहाँ से हम आईब्रोज की लाइन से नीचे तक ईयर्स को ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास सारे प्रोपोर्शंस आ चुके हैं कि हमने कहाँ पर क्या ड्रॉ करना है। अब धीरे धीरे इनको शेप्स देते हुए फेस का एक जो शेप होता है उसको लाइटली लाइंस दे देंगे कि हाँ हमने फेस कैसे बनाना है। जैसे चिन लाइन थोड़ी सी बनाई, थोड़ी सी चीक्स की बनाई, हेड कहाँ पे आएगा। उसके बाद आपने उसको प्रॉपर शेप्स देनी शुरू करनी है एंड शेडिंग के साथ आप धीरे धीरे फेस आईज नोज वगैरह बनाते जाएंगे। अभी हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है, बस पिन को आपने फिनिशिंग देनी है शेडिंग्स के थ्रू। अभी हमने आईज को प्रॉपर शेप दे दी। ऐसे ही आपने सभी पार्ट्स को धीरे धीरे ड्रॉ करते जाना है। ड्राइंग के लिए हमेशा याद रखिए कि एक बार में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे देखिएगा कि आपको मेजरमेंट्स के लिए कुछ स्क्वेयर्स की या किसी भी मेथड की, लूमिस मेथड की, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही परफेक्टली फ्री हैंड फेस बना पाएंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और ड्राइंग में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही काम आती है। धीरे धीरे आपका ये फेस पूरी तरह से तैयार हो चुका है ना? बहुत ईजी।